दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकविद किरण में। आज हम बच्चों की फेवरेट चीज कुछ बनाने जा रहे हैं, वो है स्माइली। स्माइली बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स, एक अमूल का चीज क्यूब ले लिया है, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चावल का आटा और ये दो बॉइल पोटैटोस। एक बाउल ले लेंगे और हमने ये जो बॉइल आलू लिया है से कद्दूकस कर लेंगे। अब हम इसमें मिक्स करेंगे ये चीज क्यूब, इसे खोल दीजिए और इसे भी इसमें ग्रेट करके डाल दीजिए। बस एक क्यूब काफी है दो आलू के लिए। अब इसमें मिलाएंगे हम नमक, ये आधा चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालने से हमारी स्माइली बहुत ही क्रंची बनेगी। अब ये ब्रेड क्रम्स, इन्हें हमें अच्छी तरह से अपने हाथों से मिक्स कर देना है। हमारा आटा गूंद चुका है, अब हम इसे 10 मिनट तक ढककर फ्रिज में रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा सेट हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा इसे घी लगा देंगे जैसे कि ये चिपके नहीं। अब हम इसे, ये मैंने प्लास्टिक की बैग ले ली है, इसे मैंने अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया है। अब हम ये अपना आटा ऐसे इसमें रख देंगे और इसे इस तरह से प्रेस कर देंगे। इस तरह से हम इसे रोलिंग पैन से बेल देंगे। अब आप किसी भी कुकी कटर से इसको सर्कल्स में काट सकते हैं। अभी हमने ये सभी स्माइलीज को सर्कल्स में निकाल दिया है। अब हम एक स्ट्रॉ लेंगे और उससे उसकी इस तरह से आंखें बनाएंगे और एक चम्मच के साथ इसका इसे मुंह बना देंगे। इसी तरह से हम सभी की आंखें बना देंगे। अब मैं इसी सभी स्माइली को इस तरह से प्लेट में डाल के फ्रिज में रख दूंगी। हमने फ्रिज में से स्माइलीज को निकाल दिया है और यहाँ पर घी गरम करने के लिए रख दिया है। हमारा जैसे ही घी गरम होगा हम इसमें अपनी ये स्माइलीज डाल देंगे। हमें इसे तेज आंच पे ही फ्राई करना है। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें ये स्माइलीज डाल देंगे। हमें आंच को स्लो नहीं करना है क्योंकि हमारे पोटैटोस पहले से ही बॉयल है, हमें सिर्फ इसे फ्राई करना है। हमारी स्माइली फ्राई हो चुकी है, अब इसे हम तेल में से निकाल देंगे। तैयार है हमारी स्माइली। आप इसे चटनी के साथ या सॉस के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारी स्माइली बनके तैयार हो चुकी है, अब आप इसे अपने घर पे ट्राई कीजिए और अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।